हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग का लोग क्या देखे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्या होता है, मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहला अब इम्पोर्टेंट आता है कि ट्रेंगल क्या होता है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री तो समझ गए, ये क्या होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंगल। तो ट्रेंगल क्या होता है, ये क्या होता है, एक प्लेन फिगर होता है। क्या होता है, प्लेन फिगर और अ सरफेस हैविंग थ्री साइड्स। ये क्या होते हैं, प्लेन फिगर और क्या होता है सरफेस हैविंग थ्री साइड्स। तो ऐसा फिगर जिसमें क्या हो तीन साइड्स हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का अब एंगल। क्या आता है, एंगल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रायंगल को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या होता है। ये एंगल क्या होता है कि आप किसी भी एक रे को, आप कोई एक रे लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझो ये रे ले लिए, ठीक है। ये हम लोग का क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट हम लोग अगर रे को रोटेट करा दें, इस ओरिजिन पॉइंट के अबाउट क्या करें, इस रे को रोटेट करा दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक एंगल फॉर्म होगा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग किसी भी रे को उसके ओरिजिन पॉइंट के अबाउट हम लोग रोटेट करते हैं, सपोज दैट इसको क्या किए, रोटेट करा दिए, इसको क्या करिए, रोटेट करा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स यहां से हम लोग इसको रोटेट करा के कहां ले आए, यहां पे। या फिर वही रे, जैसे हम लोग का एक रे, हम क्या बोले थे, एक ये मेरा रे है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट, इसके अबाउट हम लोग इसको इधर रोटेशन दे दें, इधर क्या करें, रोटेशन दे दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग क्या किए, इधर रोटेट करा दिए। तो ये हम लोग का क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। दैट मीन्स कि किसी भी रे को उसके फिक्स्ड पॉइंट के या कि ओरिजिन पॉइंट को फिक्स करके हम लोग जो रोटेट कराते हैं, चाहे वो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएं या क्लॉकवाइज, ये हम लोग का क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये हम लोग का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है हम लोग का, एंटी क्लॉक वाइज। तो दैट मीन्स क्या, एंटी क्लॉक दैट मीन्स क्या होता है कि अगर हम लोग क्लॉक में देखें तो इधर थ्री होता है, टू होता है, इधर आके फाइनली ट्वेल्व होता है। तो ये क्या है, हम लोग घड़ी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसको हम लोग एंटी क्लॉक बोलेंगे। तो थ्री से फोर फाइव हम लोग सिक्स के तरफ आते हैं, ये हम लोग का क्या कहलाता है, क्लॉक वाइज। दैट मीन्स हम लोग इधर रोटेट कराए तो ये हम लोग का क्या होगा, क्लॉक वाइज। और इसको अगर हम लोग इधर रोटेट करा दिए तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंगल क्या होता है, जब किसी भी रे को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, कैसे, जब उसके फिक्स्ड जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको फिक्स करके। तो ये जो रोटेशन होता है इसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ वी रोटेट, इफ वी रोटेट, इफ वी रोटेट अ रे, अगर हम लोग क्या करते हैं, रे को रोटेट करते हैं अबाउट इट्स ओरिजिन पॉइंट, अबाउट इट्स ओरिजिन पॉइंट, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है फ्रेंड्स। इफ वी रोटेट अरे, हम लोग क्या करते हैं, रे को रोटेट करते हैं किसके अबाउट, इट्स ओरिजिन पॉइंट, जो हम लोग का जो ये ओरिजिन पॉइंट है इसके अबाउट, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, देन मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज नॉन एज एंगल। तो ये जो हम लोग क्या होता है कि
रोटेशन जो इसको दिया है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो रोटेशन है इसी के मेजरमेंट को, सपोज दैट ये हम लोग एंगल रोटेट कर दिए थीटा, 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, या जो हम लोग इसको क्या किए क्लॉक वाइज रोटेट कराए, इसी रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या है कि अगर हम उसको क्लॉक वाइज रोटेट कराएं तो ये जो हम लोग का एंगल होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनिशियल हम लोग का ये क्या था, इनिशियल साइड था। इनिशियली हम लोग का रे क्या था, ये था। इनिशियल रे हम लोग का क्या था, ये था। अब उसको हम लोग क्या किए कि क्लॉक वाइज रोटेट करा दिए, तो ये हम लोग का क्या कहला जाएगा, टर्मिनल साइड। तो ये जो मेजरमेंट है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। दैट मीन्स अगर हम लोग क्लॉक वाइज रोटेशन देते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, और अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन देते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, पॉजिटिव एंगल। ये हम लोग का एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, इनिशियल साइड हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इनिशियल साइड हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड। ठीक है फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि अगर हम लोग को निगेटिव एंगल पूछे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव एंगल पूछे तो क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, कि एंगल क्या होता है, कि पहले ही बोले कि इफ यू रोटेट अ रे अबाउट इट्स ओरिजिन पॉइंट क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, देन मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन इज नोन एज एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखे कि ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, उसके साइड्स होंगे या फिर क्या होंगे, एंगल होंगे। तो इसी के रिलेशन के बारे में हम लोग किसके अंदर अगर पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। तो एक इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म आया था कि ये एंगल क्या होता है, तो हम लोग उसी को, उसी के बारे में देखें कि एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है या निगेटिव एंगल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक हम लोग क्या देखें कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या देखें, निगेटिव एंगल क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगल के क्या क्या मेजरमेंट के सिस्टम्स होते हैं और एंगल को हम लोग कैसे कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।